देखिए पिछड़े जो हैं वो हिंदुत्व का झंडा उठा रहे हैं, कावड़ में सबसे ज्यादा भीड़ पिछड़ों की मिलेगी, सबसे ज्यादा हिंदुत्व के नाम पर लड़ाई झगड़ा करने वाले पिछड़े मिलेंगे, गांव में दलितों पर फिजिकली अत्याचार करने वाले सबसे ज्यादा पिछड़े मिलेंगे, और पिछड़ों को अपने अधिकारों की चिंता नहीं है, बस हिंदुत्व को बचाने की चिंता है, मंदिर को बचाने की चिंता है। अरे भैया अपने बच्चों के भविष्य को बचाने की चिंता भी करिए, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, आपकी नौकरियां खतरे में है, आपकी एजुकेशन खतरे में है, आपका लॉ एंड ऑर्डर खतरे में है, आपकी बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है, आप उस पर कब आवाज उठाएंगे, आपका रिजर्वेशन खतरे में है, सब तो खतरे में है आपका, मगर आप जाग क्यों नहीं रहे हो। अगर देखा जाएगा तो हमने जितने भी महापुरुष पढ़े हैं उन महापुरुषों में सबसे ज्यादा ओबीसी के महापुरुष रहे जिन्होंने आंदोलन किया है, चाहे वो ज्योतिबा फूले रहे हों, चाहे पेरियार रहे हों, चाहे उसके बाद में ललित सिंह यादव रहे हों, चाहे जयप्रकाश नारायण और बहुत सारे जो लोग हैं रहे हों, तो सर छोटू राम रहे हों, बहुत सारे आंदोलन कर रहे हैं ओबीसी ने, मगर आज ओबीसी का नौजवान घरों में बैठा हुआ है सुख सुविधा में, वो पूरा आराम ले रहा है, उसको कोई अधिकारों से लेना देना नहीं, उनको लगता है कि संविधान बचाने का जो काम है वो दलितों का है, अम्बेडकरवादियों का हमारा तो मतलब ही नहीं है। अरे भाई संविधान खत्म हो गया तो फिर तुम वो काम करोगे जो कभी तुमने सपने में नहीं सोचा होगा। अगर आपको एजुकेशन का अधिकार मिला है और छोटी मोटी अगर नौकरी मिल रही है आपको, तो एजुकेशन की वजह से मिल रही है और संविधान की वजह से मिल रही है। देखिए वो जागरूक नहीं है, वो जब उन्होंने धर्म का डंडा उठा लिया है, या तो धर्म का झंडा उठा लीजिए, और धर्म के डंडे झंडे के साथ में डंडा भी उठा रखा उन्होंने, तो वो जो ओबीसी है, मानो काशीराम साहब कहते थे, तो ओबीसी जो है वो हिंदुओं की सोशल फौज है, जो फिजिकली शोषण जो करते हैं समाज में वो ज़्यादातर ओबीसी के जो लोग हैं, कुछ चंद जातियां हैं वो करती हैं। फिर सोचना पड़ेगा इनको अपना ओबीसी जो स्टेटस है उसको बनाए रखना चाहते हैं, उसमें खुश हैं कि हम दलितों से कम ऊपर हैं, हम एससीओ से ऊपर हैं। तो भैया ऊपर नीचे की लड़ाई नहीं है, अपने जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तुम्हें अधिकार दिए संविधान में उनको तो बचा लो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था नहीं करते तो मंडल कमीशन नहीं बनता, और मंडल कमीशन नहीं बनता तो ओबीसी जितने भी लोग हैं उनको 27% रिजर्वेशन नहीं मिलता, और 27% रिजर्वेशन के बाद में उनके आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर्स हैं प्रोफेसर कुछ बन रहे हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पर जा रहे हैं तो वो कभी नहीं जाते। धर्म के लिए इतना जागरूक है पिछड़ा, तो फिर अपने अधिकार के लिए क्यों नहीं जागरूक और अपने हिस्सेदारी? देखिए पिछड़ा ना दुविधा में है कि हम धर्म का डंडा उठाएं या हम अंबेडकर की बात माने। उनको लगता है कि अंबेडकर की बात कहेंगे, अंबेडकर की बात ही बनेंगे तो हम अछूत ना हो जाएं कहीं पे, ठीक है ना, हमारे अधिकार जाएं तो जाएं कोई बात नहीं, मगर हम अंबेडकर सही कह रहे हैं, संविधान में सही लिखा हो, मगर हम संविधान को नहीं बचाएंगे। जो लोग जागरूक हो गए हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, वो अंबेडकरवादी अपने आप को बोलते हैं, बाबा साहब के रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसा नहीं नहीं चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपने देखा होगा कि आज भी मोदी सरकार है, योगी सरकार के खिलाफ वो अपना जितना भी स्टेटमेंट देने का काम करते हैं, अगर उनकी सरकार की गलत नीतियां तो गलत नीतियों का विरोध भी करते हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो ये एक्चुअली में क्या कि पूरे समाज में नहीं हो रही, तो उनकी ड्यूटी है, ओबीसी समाज के जो जागरूक लोग हैं उनकी ड्यूटी है कि वो गांव-गांव जाएं, घर-घर जाएं और अपने लोगों को समझाने का काम करें कि भाई तुम्हारा तो सही चल रहा है, तुम्हारी तो रोजी रोटी सही चल रही है, मगर उनको देखो जो गांव में बेचारे आज भी परेशान हैं, उनके बच्चों के लिए जो रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है संविधान के अंदर वो खत्म हो जाएगा एक दिन। दिलीप मंडल लिख रहे हैं कि पिछड़े पिछड़े नहीं हो गए, ढोल हो गए, कोई भी आता है इनको बजा के चला जाता है। नहीं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई ओबीसी के ही माध्यम से तो सरकार बन रही है, बट जिस देश में ओबीसी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, 60% से भी ज्यादा है, दलित फिर हैं, उसके बाद में फिर मेनोरिटीज हैं। मानव काशीराम साहब का क्या था नारा, मानव काशीराम साहब का नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मानव काशीराम साहब ने बहुजन शब्द की स्थापना की, बहुजन तो बहुत पहले से, मगर जो बहुजन मानव काशीराम साहब का जो बहुजन है वो एससी एसटी ओबीसी मेनोरिटीज है। 15 और 85 की लड़ाई की बात करी, 15 और 85 की लड़ाई जब होगी तो 85 जीतेगा ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में वोटिंग का नंबर होता है, जिसकी वोट ज़्यादा राजा उसका बनता है। यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई और कुछ राज चल रहा है, यहाँ डिक्टेटरशिप चल रही है, मोनार्की चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। मगर देखने में आया है कि इन लोगों ने, धूर्त लोग हैं, डेमोक्रेसी को भी तोड़ने का काम किया है, और यहाँ भी जैसे जैसे डिक्टेटरशिप चल रही है वैसे चलाने का काम चल रहे हैं, क्योंकि सारी जितनी भी संस्थाएँ हैं संवैधानिक संस्थाएं उन पर सबका कब्जा कर लिया है, और सब लोग डर रहे हैं आज की डेट में कि अगर हम कुछ कहेंगे, कुछ आवाज़ उठाएंगे, सरकार की गलत बातों का विरोध करेंगे तो हम जेल में जाएंगे या ईडी का छापा पड़ जाएगा। भैया डरना नहीं है आपको, अगर डरते रहोगे तो आने वाली संतानें तुम्हारी
तुम्हें फिर कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि आने वाली संतानों के लिए लड़ाई लड़नी है आपको। कोई राजा इतना डिक्टेटरशिप करने लगे कि वो आपके सही बात को भी अगर उस पर FIR करेगा, जेल में डालने का काम करेगा, तो फिर भैया संविधान का फायदा क्या? ये देश धर्म से नहीं चल रहा है, समझना पड़ेगा आपको। ये देश संविधान से चल रहा है। इस देश में जितना भी काम होता है वो संविधान से होता है। प्रधान से प्रधानमंत्री तक बनने का रास्ता संविधान दिखाता है। प्रधान से प्रधानमंत्री क्या काम करेगा वो संविधान बताता है। जज कैसे बनेंगे वो संविधान बताता है। जज कैसे काम करेंगे वो संविधान बताता है। और सब लोग कैसे देश में रहेंगे वो संविधान बताता है। तो ये देश संविधान से चल रहा है। तो संविधान को अगर नहीं बचाओगे, तुम्हारे अधिकार कहाँ निहित है? संविधान के अंदर निहित है। OBC के अधिकार कहाँ पे है? वो संविधान के अंदर है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे है? वो संविधान के अंदर है। अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स को नहीं बचा पाओगे, अगर जो आपका बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और जो महापुरुषों ने लड़कर जो ये लिए हैं, और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसको कलमबंद किया है, अगर वो लिखे हुए संविधान को, लिखे हुए अधिकारों को ही अगर आप नहीं ले पाओगे, नहीं बचा पाओगे, तो फिर किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हो तुम भैया? कौन सा अपना इतिहास बचाओगे आप? पहले तो इतिहास पढ़ो ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और महापुरुषों ने कौन सी लड़ाई लड़ी है। तो लड़ाई समझना बहुत जरूरी है। अब हो क्या रहा है कि हमें यही नहीं पता कि हमारा दुश्मन कौन है, और जब दुश्मन नहीं है तो हमें लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? तो कोई कह रहा है इस देश के अंदर BJP के वो है, वो शायद साध्वी है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कुशवाहा है वो, कोई भी हो, मैं तो उनको साध्वी नहीं मानता हूँ। वो एक्चुअली में एक नेता है, और नेता भी वैसी है कि वो अनपढ़ नेता है, और उन पे शायद चार्ज भी लगा हुआ है, देशद्रोह का चार्ज भी लगा हुआ, उसको एक्यूज भी रही है। वो कहती है मतलब, अरे 100 करोड़ हिंदुओं, अपने बच्चों के हाथों में तलवार दे दीजिए, छुरा तैयार कर लीजिए। किस पे छुरा कर रहे हैं? और हम ये कहते हैं कि 100 करोड़ लोगों, गरीब लोगों, अपने बच्चों के हाथों में कलम और किताब दे दीजिए। अगर आपने अपने बच्चों को उद्धार करना है, कलम और किताब से आपके बच्चों का उद्धार होगा, छुरा और तलवार से आपके बच्चों का उद्धार नहीं होगा। छुरा और तलवारों ने कभी आज़ादी प्राप्त नहीं की है, कलम ने आज़ादी प्राप्त की है। 2500-3000 साल की गुलामी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तलवार से और छुरी से नहीं काटी है, कलम से काटी है। इस कलम में ताकत है, इस कलम को अपना हथियार बनाओ। और जिस कौम ने कलम और किताब अपना हथियार बना लिया, वो कौम कभी भी गुलाम नहीं हो सकती है। अफसोस की बात तो यही है कि इन कौमों ने, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज की जो कौमें हैं, इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को नहीं माना, और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दी है। क्योंकि एजुकेशन को क्यों खराब कर रहे हैं? एजुकेशन को, क्वालिटी एजुकेशन क्यों बर्बाद कर रहे हैं? एजुकेशन को प्राइवेट क्यों कर रहे हैं? एजुकेशन का व्यवसायकरण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि दलित OBC के बच्चे पढ़कर यूनिवर्सिटी में जाकर वो सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं रोजगार कहाँ भैया हमारा? रोजगार की बात करते हैं वो, तो वो कहते हैं कि हमारा अधिकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो सवाल करते हैं सरकारों से, वो सवाल करते हैं मोदी जी से, वो सवाल करते हैं RSS से, तो उनको तो चिढ़ है। तो इसलिए वो एजुकेशन को खत्म कर रहे हैं। और जो OBC समाज है, अगर वो तैयार हो जाए तो अपनी सरकार को खुद बना सकता है, अपनी सरकार खुद बना सकता है। आपने देखा होगा 90 और 80 का दशक जो था, माननीय काशीराम साहब लड़ाई लड़ रहे थे जब, तो उधर से लालू जी लड़ाई लड़ रहे थे, उधर से शरद यादव लड़ाई लड़ रहे थे, उधर से आपका यहाँ उत्तर प्रदेश में कई नेता OBC के थे जो लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, लड़ाई लड़ने के बाद में अपने लोगों को अधिकार दिलाने का काम किया था। मगर आज की डेट में कोई नेता नहीं बन रहा। आज तो सबसे बड़ा हिंदू बनने की लड़ाई हो रही है कि सबसे बड़ा मैं हिंदू, सबसे बड़ा वो हिंदू। ये देश सेकुलर स्टेट है। संविधान कहता है कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। यहां स्टेट का कोई धर्म नहीं है। आपके धर्म हो सकते हैं, कोई किसी भी धर्म को मानो, वो तुम्हारा निजी एक मामला है। मगर आप थोपेंगे लोगों पर कि आप इसी धर्म को मानेंगे, आप यही कपड़ा पहनेंगे, आप इस कपड़े के बिना कोई पहन नहीं सकते, आप यही जींस पहनेंगे, आप ये नहीं पहन सकते, आप ये नहीं खा सकते, तो भैया फिर संविधान क्या है? संविधान की आजादी देता है आपको। संविधान आपको खाने की, पहनने की, रहने की, जाने की, सब चीज की आजादी देता है। इवन यहां तक कि अपना पार्टनर चुनने की भी आजादी देता है। आप संविधान को खत्म करना चाहते हैं। संविधान खत्म करने का मतलब है कि फिर दोबारा आप लाखों करोड़ों लोगों को गुलाम बनाने की षड्यंत्र कर रहे हैं, जिस षड्यंत्र से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको बचाने का काम किया। लेकिन जब पिछड़ों के ही नेता मंदिरों के चक्कर काट रहे, तो फिर पिछड़े समाज की क्या गलती है इसमें? देखिए, वो तो उनके आइडियल है ना, वो नेता ही मंदिर जा रहे हैं, तो देखिए वो पिछड़ों के नेता नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए वो काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, अपना उद्धार करना चाहते हैं, वो पिछड़ों का उद्धार नहीं करना चाहते हैं। आपको समझना पड़ेगा, नेता वो है जो अपने समाज और मानवता के उद्धार करने के लिए काम करता हो। अपना उद्धार करने के लिए तो सभी कर सकते हैं, अपना उद्धार तो सभी लोग कर सकते हैं। किसी के पैर पूछ के अपना उद्धार कर लिए, टिकट लेकर उद्धार कर लीजिए। जो पार्लियामेंट में SC ST OBC के लोग बैठे हुए हैं, तुम समझते हो कि वो नेता जो है वो क्या अपने लोगों की आवाज उठाने का काम करते हैं? वो नहीं आवाज उठाते हैं, वो अपनी पार्टी के कैडर के अनुसार काम करते हैं।
पार्टी का पट्टा उनके गले में पड़ा हुआ है, मोदी जी जो कहेंगे वो काम करेंगे, आरएसएस जो कह रही है वो काम करेंगे। ऐसे कांग्रेस में जो लोग हैं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, वो काम जो कहेंगे वो काम करेंगे आप।